हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, तो ये लिनोवो का फ़ोन है। दोस्तों, मान लीजिए लिनोवो का आपका कोई भी फ़ोन है और अचानक आपका टच काम करना बंद कर दिया है, या मतलब आपका डिस्प्ले हैंग हो गया है, डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या जो है आपका साउंड स्पीकर माइक रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दिया है, मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम कोई भी है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रिबूट और स्टार्ट करना है, और रिबूट और स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए आपका टच नहीं काम कर रहा है और अपना फ़ोन आप रिस्टोर करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे? तो दोस्तों, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको पावर बटन को थोड़ा टाइम प्रेस करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चलते चलते हमारा फ़ोन टच काम करना बंद कर देता है, कभी कभी डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाता है, कभी कभी हमारे डिस्प्ले पर केवल लाइट जलता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल का लाइट और फिगर, मतलब आपका हैंगिंग प्रॉब्लम कोई भी हो तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ज़रूर देख लीजिएगा। रिबूट और रिस्टार्ट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए वॉल्यूम पावर बटन को आपको केवल पावर बटन को आपको 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो आपका जो है सही हो जाएगा, 100% काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम में हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारे फ़ोन का जो है टच काम करता है या नहीं काम करता है। दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर उस फ़ोन में आता है जिस फ़ोन का जो है डिस्प्ले चेंज होता है, फोल्डर चेंज होता है। फोल्डर चेंज करने के बाद दोस्तों ऐसा अधिकतर फ़ोनों में प्रॉब्लम आ जाता है कि अचानक आपका टच काम करना बंद कर देता है या अचानक आपका फिगर आना बंद कर देता है। तो एक बार अपने फ़ोन को आप रीस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा, रीस्टार्ट करने में आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।